हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग ने पहले प्रो बोनो पब्लिको का एक वीडियो देख चुके हैं, कई स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन आ रहा था, कई लोगों को राइटिंग मेरी नहीं समझ आई, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसका सेकंड वीडियो पे आते हैं और क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्या कंसेप्ट है, किस लिए ये एक मुहिम, ये एक इनिशिएटिव हम लोग ने स्टार्ट करा है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो प्रो बोनो पब्लिको, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट फ्रेज, फॉर द पब्लिक गुड, जनता के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव ये है कि इसमें हम लोग फ्री सर्विस देंगे आपको। फ्री सर्विस कैसे देंगे कि जैसे मान लीजिए, अब सबसे पहले ज़रूरी सवाल किसके लिए, कोई भी बच्चे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स की या लोकल गार्जियन की कोविड के दौरान डेथ हो गई है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कोचिंग इस टाइम नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, किसी के पास इतने फंड्स नहीं हैं, कई इशूज़ हैं, या किसी भी कारण से वो बच्चा कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो ये सर्विस उसके लिए भी है। या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या जो कहीं पे भी इनको ज़्यादा नीड नहीं है कोचिंग की, या वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी पे बहुत डिपेंड रहते हैं, ये सर्विस उनको भी बहुत फ़ायदा देगी। तो इन और कोई भी स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट इसमें आते हैं, सभी स्टूडेंट को कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि किन किन ऑडियंस को, किस किस जगह की ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। फ्रॉम बिगिन करते हैं छोटे से, क्लास 9th 10th, यहाँ पे कॉमर्स आईएससी बोर्ड में शुरू हो जाती है, आईएससी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी रहती है कॉमर्स यहाँ पे, 11th 12th तीनों ही बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड हो हमारा, ये सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, तीनों बोर्ड्स में कॉमर्स यहाँ पे मिल जाएगी आपको। फिर कोर्सेज जैसे बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, अब इनमें कोई भी इसका स्पेशलाइजेशन हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए ऑनर्स हो, बीबीए की कोई स्ट्रीम हो, एमबीए की कोई स्ट्रीम हो, कहीं भी कोई भी टॉपिक, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है ये चीज़ें। एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट है, कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी कॉमर्स है, तो इन लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे। इस ये हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। अब ये क्या क्या पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप अपनी क्वेरीज, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जैसे हमारा ईमेल आईडी है rishabranjan8822@gmail.com, RISHABH, ऋषभ, RANJAN, न्यूमेरिक में 8822@gmail.com, या व्हाट्सएप पे 8172816199, या फिर कॉल पे भी 7985246118, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी के पास मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, कोई ऐसे भी इश्यूज कहीं कोई भी केस निकल सकता है, तो वो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है, ठीक है, या इनमें से किसी भी सुविधा के थ्रू हमसे, हम तक पहुंच सकता है। और अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो रंजन कॉमर्स क्लासेस के नाम से आपको वहाँ पे पेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप हम लोग को डीएम कर सकते हैं। और अब बात आती है क्या क्या पूछना है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक, कोई भी शॉर्ट टॉपिक, मान लीजिए मार्केटिंग सब्जेक्ट में मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, या मार्केटिंग के अप्रोचेस क्या होते हैं, एचआरएम में तो मैन पावर प्लानिंग क्या चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है, एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया हमारा, या कोई भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए तो आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस, कोई भी टॉपिक हो, छोटा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, जो मतलब 5-10 मिनट में मैं कवर करूँगा, जिसको मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो का टाइम होगा, जिस वीडियो पे आपकी क्वेरी आंसर करूँगा, वो 5-10 मिनट की वीडियो होगी, या 5-10 मिनट का ही नोट होगा बेसिकली वो। तो कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अकाउंटिंग की कोई भी स्ट्रीम में नहीं समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कैसे क्यों हुआ वो पूछ सकते हैं आप लोग। करियर मैपिंग, अब सबसे बड़ा ज़रूरी सवाल होता है ये, वैसे भी मेरी कोचिंग क्लास जो हम लोग का रंजन कॉमर्स क्लासेस है, ये पूरा फ्री हमेशा से देता रहा है, और आज भी इसमें आपको अब इसके बाद क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, आगे क्या कोर्स करें, क्या चीज़ बेहतर होगी आपके लिए, तो वो करियर मैपिंग यानी करियर काउंसलिंग आपकी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। स्टडी पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इस टाइम 12th आ गए हैं, आप कैसे पढ़ाई करें, घर पे बहुत ज़्यादा टाइम है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, नहीं समझ में आ रहा है कब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ पूछना पूछ लीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होएगा, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न ठीक से नहीं पता, एमसीक्यू आएंगे पर कहाँ किससे कितना आएगा नहीं पता, पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू आएंगे कहाँ कितना आएगा नहीं पता, बीकॉम के एग्जाम एकदम से बोल दिया जाता है, सब ऑब्जेक्टिव होंगे, आप कैसे पढ़ें ऑब्जेक्टिव, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होएगा तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी कैसे होगी, कैसे उसमें ज़्यादा स्कोर करें, क्या करके ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखें, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए आंसर के, या जैसे 12th में बात करें बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर, थ्योरी में कितने मार्क्स में कितना लिखना चाहिए,
नाइन्थ टेंथ में इधर कमर्शियल स्टडीज आती है, किसमें कितना लिखें किसमें कितना नहीं लिखें, इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स के आंसर लिखने चाहिए, इस तरीके की कोई भी स्ट्रैटेजी समझनी हो तो उसके लिए आप लोग हमको पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को मैंने बता दिया किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, कम बच्चे हो सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, जिसको कोई भी फाइनेंशियल क्रंच भी आ रहा है तो वो पूछ सकता है। और जब भी ऑफलाइन क्लासेस रेज्यूम होंगी तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोविड की वजह से कोई ऐसी समस्या आ गई कि वो चीज़ें रिज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए 100% फ्री रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आप कॉन्टैक्ट करें वो बच्चे मुझसे, अगर कोई भी जैसे मान लीजिए बुक या कंटेंट भी नहीं अवेलेबल है तो मैं उनको कंटेंट भी कहीं से कैसे करके प्रोवाइड करा दूंगा, वो मैं फेस टू फेस या वन टू वन करके स्टूडेंट से बात कर लूंगा। अब बात आती है कि आपकी क्वेरीज कैसे आंसर होंगी, तो क्वेरीज आंसर आपकी हम लोग कर देंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे छोटी वीडियो शॉर्ट्स का भी फीचर आ गया यूट्यूब पे, अभी तक तो ट्राई नहीं करा बट हो जाएगा उसमें भी, इंस्टा रील्स है या IGTV इंस्टा पे आता है, वहाँ पे क्वेरीज आंसर हो सकती हैं आपकी। ऑडियो नोट्स व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट भेज दिया आपको, या शॉर्ट सॉल्यूशन के पिक खींच के भेज दिया, आपने सॉल्यूशन भेजा, आपको सिर्फ सॉल्यूशन समझना है ये आंसर कैसे आएगा, खाली इतनी सी क्वेरी है तो उसकी पिक खींच के आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी सॉल्व करके, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी यहाँ पे। ये पर्पस है इस प्रो बोनो पब्लिको का, आपका जो प्रो बोनो पब्लिको में हम ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। और कहीं पे भी जैसे ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद एक चीज़ और, कोई भी इन सब की कोई फीस नहीं है, ये कोई आपको अट्रैक्टिव पैकेज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें अट्रैक्ट होंगी इसमें, कि मतलब हम लोग कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल शब्द में बता रहा हूँ, पूरी फ्री सर्विस है, जो भी स्टूडेंट आए वो इन तीन मोड्स के थ्रू हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।